वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की ये वीडियो जो है वो MFT कॉइन के बारे में होने वाली है, और हम जानेंगे कि क्या MFT का फ्यूचर है और इन नियर फ्यूचर जो है वो MFT आपके जो पैसे वो वापस करवा सकता है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इथीरियम के बारे में, क्या ये बेस्ट टाइम है इथीरियम को परचेज़ करने का, क्योंकि इथीरियम की कुछ कैंडल जो हैं वो हमें ऐसा ट्रेंड शो करवा रही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम MFT को डिस्कस करेंगे। MFT के अगर आप प्राइस चार्ट यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे ह्यूज कैंडल जो है वो MFT के अंदर बनती हुई दिखी हैं, और 0.006 से इसने स्टार्ट लिया है और ऑलमोस्ट डबल जाके इसने इस एक सिंगल कैंडल के अंदर क्रिएट किया। और वापस जो आपको पता है वो डेफिनेटली एक कॉइन जब भी पंप बहुत ज़्यादा ले ले तो वो ज़्यादा गिर जाता है। थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद अपने उसी स्टार्टिंग पॉइंट को वापस गेन करने के बाद आज दोबारा हमें एक ह्यूज जो है पंप इसके अंदर बनता हुआ दिखा, और दोबारा इसने अपना 10 जो है वो शेड किया। इसका ऑल टाइम हाई आप सबको पता है कि 0.03 यानी काफ़ी जो है वो ऊपर है, लेकिन ये इतना कोई दूर आप कह सकते हैं कि टारगेट नहीं है कि इसको अचीव ना किया जा सके। तो एक छोटी सी रैली लगने की देर है जो कि यहाँ पर आपको बनती हुई दिख भी रही होगी। इसी रैली के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें MFT के अंदर एक अच्छा प्राइस पम्प देखने को मिलेगा, जो इसका न्यू ऑल टाइम हाई भी बनता हुआ आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप ज़रा थोड़ा सा कंसिडर करें तो यहाँ पे इसके अंदर आपको ये ट्रैवल करते हुए आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे ये चार्ट नज़र आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अपने 0.003 के पास ऑलमोस्ट जो है वो लोएस्ट बनाया है, और उसके बाद से हमें जो भी एक शूटअप दिखा है, शूटअप दोबारा इस पैटर्न को, ये हमने ऑलरेडी ड्रा किया था लेकिन शायद उससे जो है रिलेटेड हमने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के करीब करीब आपको ये ऊपर अपवर्ड रैली इसकी बनती हुई दिखी है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या यहाँ से इसका शूटअप जो है वो बनेगा, तो इन ट्रेंड लाइंस को देखें तो यहाँ पे हमें एक ह्यूज शूटअप बनता हुआ देख सकता है, जो इसका न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो इस पॉइंट के बाद आपको बनता हुआ दिखेगा, और ये पॉइंट होगा जब ये 0.001 के ऊपर स्टेबल होगा। और यहाँ पे 0.01 के ऊपर स्टेबल होने के बाद जो है यहाँ पे एक ह्यूज रैली बनती हुई दिखेगी, जो कि अपने प्रीवियस जो है ऑल टाइम हाई को वो क्रॉस करके 0.05 के करीब करीब आपको टच होती हुई दिखेगी। साथ ही साथ सबसे मेजर जो इशू है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई का है। इसकी सप्लाई जो है वो 10 बिलियन के राउंड अबाउट है, और हमें यहाँ पे 7 डेज़ के अंदर जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक अच्छा प्राइस मूवमेंट यहाँ पे इसके अंदर बनता हुआ दिखा है। प्राइस चेंज लास्ट 24 आवर के अंदर एक अच्छा प्राइस चेंज 32.41% पॉजिटिव। मार्केट कैप इसका स्मॉल है, स्मॉल कॉइन है, तो उस हिसाब से इस कॉइन के अंदर एक अच्छा टर्नओवर बनता हुआ दिखा है। इथीरियम की बात करते हैं तो इथीरियम ने जो अपनी ये मूव दिखाई है, इस मूव के बाद हमें दोबारा इथीरियम के अंदर एक डंप देखने को मिला, और 1770 को टच करने के बाद हमें दोबारा ये डंप होता हुआ दिखा है 1550 के करीब। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल, आज की जो ग्रीन कैंडल है ये यहाँ से आपको दोबारा टर्न जो है वो रेड होती हुई दिखेगी, और ये जो है अपना एक स्टेबिलिटी पॉइंट जो इसका बना हुआ है इस ट्रेंड लाइन के करीब 1440 से अबव, यहाँ पे आपको ये दोबारा टच होता हुआ दिखेगा, और यहाँ से दोबारा हमें एक इस तरह का जो पम्प देखने को मिला था जो इसने स्टार्ट लिया था 10 के करीब से, तो वो एक दोबारा पम्प यहाँ से 15 के राउंड अबाउट से स्टार्ट होगा और 20 को दोबारा क्रॉस करेगा। क्योंकि इस टाइम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन जो है वो अपने आप को काफ़ी टाइम से 20,000 के करीब जो है वो स्टेबल करके रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक्सप्लोजन जो है वो बिटकॉइन के अंदर भी आपको सून देखने को मिलेगी, लेकिन अभी मार्केट जो है वो अपने नेगेटिव ट्रेंड की तरफ ही मूव कर रही है। तो ये एक शॉर्ट सी अपडेट थी रिगार्डिंग MFT कॉइन, इस पर ज़रूर नज़र रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।